भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने 2 अगस्त को दहिसर में अपने निवास पर आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु से एक दिन पहले अनुपमा फेसबुक अकाउंट पर लाइव हुई, जहां उन्होंने धोखा महसूस करने और किसी पर भरोसा नहीं करने की बात कही। इस मामले में कश्मीरा पुलिस स्टेशन में एक ADR दर्ज की गई है, जो अब एक व्यक्ति और एक कंपनी सहित 2 अभियुक्तों के खिलाफ 306 के तहत FIR में बदल दी गई है। अपने सुसाइड नोट में अनुपमा ने व्यक्ति और कंपनी दोनों को दोषी ठहराया है। इस व्यक्ति का नाम मनीष झा है, जिन्होंने स्कूटर उधार लिया था लेकिन वापस नहीं लौटा रहे थे। साथ ही गोरेगांव के एक कंपनी जहां अनुपमा ने 10,000 रुपये निवेश किए हैं, अपनी योजनाओं के परिवक्ता के बाद उस तरह रिटर्न नहीं दे रही थी, इसलिए दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें कि अनुपमा ने अपने अंतिम फेसबुक लाइव में कहा था कि यदि आप किसी को समस्या बताते हैं तो आप जान देने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा आपका दोस्त क्यों ना हो, वह आपसे दूर रहने को कहेगा। हालांकि आपके मरने के बाद वह मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा और साथ ही वह आपका दूसरों के सामने अनादर करेगा और मजाक उड़ाएगा, इसलिए कभी भी अपनी समस्याओं को किसी के साथ शेयर ना करें और ना ही कभी किसी को अपना दोस्त समझे। अभिनेत्री ने इसके आगे कहा कि ऐसा व्यक्ति बने जिस पर सब भरोसा करे, लेकिन आप किसी पर यकीन मत करो। मैंने यह अपने जीवन में सीखा है, लोग बहुत मतलबी होते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। भोजपुरी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री अनुपमा बिहार के पूर्णिया जिले से है और काम करने के लिए वह मुंबई में रहती थी। हम दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आप भी दुआ कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।